अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब और लाइफ कैसी गुजर रही है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सिर्फ आइडियाज़ के लिए शेयर कर रही हूँ। ये मैंने शकुटरी बोर्ड बनाया था जिसमें डिफरेंट किस्म के फूड होते हैं जो हमें पसंद हो या हमारी फैमिली को पसंद हो, तो हम वो इसमें एक साथ बना के रख सकते हैं फ्रूट्स के साथ और हनी के साथ और जो भी आपको पसंद हो। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें कैसे बनाई थी। तो जब भी आपके घर में कोई दोस्त आ रहे हों ब्रेकफास्ट पे ब्रंच पे, तो आप इसको जल्दी से प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। आप मैंने दो किस्म की डो बनाई थी जो मैंने रात में ही बना के रख ली थी, और क्लब सैंडविच के लिए मैंने जो चीज़ें प्रिपेयर करनी थी वो भी मैंने रात में कर ली थी, तो सुबह उठ के फिर मुझे मुश्किल नहीं हुई थी। तो जो दो किस्म की डो थी, एक से मैंने गार्लिक रोल बनाए थे और दूसरी से मैंने शीरमाल बनाए थे, और उसके शीरमाल वाली डो से ही मैंने सिनेमन रोल बना लिए थे। तो हम जो डो बनाते हैं उससे हम एक डो से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी। और दूसरा मैंने क्लब सैंडविच बनाए थे, वो भी बहुत ईजी हैं, वो भी आप जल्दी से बना सकते हैं। स्प्रिंग ओनियन एग बनाया था मैंने जो बहुत मज़े का बनता है, उसके साथ फ्रूट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट सर्व किए थे, और आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसके साथ जो अरेबिक पिकल होते हैं वो भी आप रख सकते हैं, और इसके साथ आप फ्रेश जूस किसी भी तरह का या स्मूथी या इस टाइप की चीज़ें सर्व कर सकते हैं। तो मैंने ऑरेंज जूस बनाया था, बच्चों को बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, मेरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया, और कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें हमने बना ली। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, जब आपके दोस्त आएँ या आपकी फैमिली के लिए आपको कुछ अलग से डिफरेंट सा कुछ करना हो, तो आप ऐसे एक प्लेट में सब चीज़ें डिफरेंट टाइप का फूड बना सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देख के फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है कि वैरायटी है, और ख़ुद भी बड़ा मज़ा आता है कि हमने इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाना, फिर मुझे बताना, और बहुत खुश रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमेशा खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।